नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर वीके राय, आपको मेरे चैनल डॉक्टर वीके राय होम्योपैथ क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज मैं चर्चा करने वाला हूं प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी समय से पहले बालों का सफेद हो जाना। और साथ में मैं होम्योपैथी मेडिसिन पर भी चर्चा करने वाला हूँ, जो होम्योपैथी मेडिसिन इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत अच्छा लाभदायक है। तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो है आपको यह वीडियो के माध्यम से अच्छे से लाभ मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक और शेयर करें। तो यदि आपके भी बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो बिल्कुल हदयाने की ज़रूरत नहीं है, चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि समय से पहले बालों का सफ़ेद होने का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण जो है आनुवंशिक। यदि आपके परिवार में माता पिता में से किसी को भी यह समस्या रहा है तो उनके बच्चों को भी यह समस्या देखने को मिल सकता है। दूसरा, तनाव, एंजाइटी। और अगला कारण जो है मिनरल्स और विटामिन्स की कमी, जैसे विटामिन्स B12 की कमी, विटामिन्स D3 की कमी, कैल्शियम की कमी, कॉपर की कमी, आयरन की कमी आदि। अगला कारण जो है प्रोटीन की कमी आदि। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण के वजह से जो है समय से पहले बाल सफ़ेद हो सकते हैं। अब चलिए होम्योपैथी मेडिसिन पे चर्चा करते हैं, जो होम्योपैथी मेडिसिन इन सारी समस्याओं में बहुत अच्छा लाभदायक है। तो आपको दो तरह का होम्योपैथी मेडिसिन पे मैं चर्चा करूँगा। एक आपको सेवन करना है और एक आपको नॉर्मल तेल की तरह इसको अपने बालों पे लगाना है, बाहरी प्रयोग करना है बालों पे। और वीडियो के अंत में मैं एक शैम्पू पे भी चर्चा करूँगा, जिसको जो है आपको अपने नॉर्मल शैम्पू की तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले सेवन करने वाले होम्योपैथी मेडिसिन पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें दो तरह का होम्योपैथी मेडिसिन लेना है आपको। पहला लाइकोपोडियम 200 पावर में और दूसरा एसिड फोस 200 पावर में। यह दोनों दवाई के साथ साथ आपको एक खाली सीसी लेना है, बोतल लेना है। और खाली वाले सीसी में जो है आपको ये दोनों में से बराबर मात्रा में, जैसे 20 ml लाइकोपोडियम और 20 ml एसिड फोस, ये खाली वाले सीसी में आपको मिला देना है। उसके बाद इस बोतल को जो है अच्छे से हिला देना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस दवाई को जब भी आपको सेवन करना है हिलाकर ही सेवन करना है। इसकी डोज रहेगा 2 बूंद सुबह सुबह आपको इसको सेवन करना है। ड्रिंक अपने जीभ पे इसको ले लेना है। आपको बहुत अच्छा यह जो है फायदा देगा समय से पहले यदि बाल सफेद हो रहे हैं जिसमें। इसके साथ साथ एक आपको हेयर ऑयल तैयार करना है, जिसमें आपको 3 तरह के होम्योपैथी मेडिसिन रहेगा। सबसे पहला होम्योपैथी मेडिसिन जिसका नाम है सोरेलिया, सोरेलिया क्यू में आपको लेना है। और दूसरा होम्योपैथी मेडिसिन जेवरेंडी क्यू में। और तीसरा होम्योपैथी मेडिसिन एसिड फोस क्यू में। यह तीनों होम्योपैथी मेडिसिन को जो है आपको बराबर मात्रा में, इक्वल मात्रा में आपको एक खाली सीसी में 100 ml का सीसी लेना है, जिसमें आपको मिला लेना है। जैसे 10 ml सोरेलिया और 10 ml एसिड फोस और 10 ml जेवोरेंडी, टोटल हो जाएगा 30 ml। और 60 ml आपको जो है इसमें नारियल का तेल सदा वाला आपको मिलाना है। अब फिर अच्छे से इसको हिला डुला लेना है। जब अच्छे से मिल जाए तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। फिर से आपको ध्यान रखना है
कि जब भी इसको इस्तेमाल करना है आपको अपने बालों पे, तो इसको हिलाकर ही इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका रहेगा, रात में जो है आपको अपने बालों पे जिस तरह से आप नॉर्मल कोई भी तेल का इस्तेमाल करते हैं, आप इसको इस्तेमाल करना है सोने के पहले, और सुबह में इसको आप बालों को धो लेना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो है आपको तेल को इस्तेमाल करना है अपने बालों पे, तो नाखून नहीं लगाना इस तरह से। आपको इस तरह से अपने बालों को इसका अपने बालों पे लगाना है, मसाज करना है हल्के हाथों से। और सुबह में जब इस बाल को धोएं, तो आप एक होम्योपैथी शैम्पू है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए यह शैम्पू बहुत ज्यादा लाभदायक है। उस शैम्पू का नाम है रेबुड शैम्पू। यह शैम्पू भी आपको जो है बालों के अनेकों समस्या में लाभदायक है। जैसे यदि आपके बाल में डेंड्रफ है, जिसमें यह शैम्पू बहुत ज्यादा लाभदायक है। दूसरा इचिंग है, आपकी बाल खुजलाता है, जिसमें भी यह बाल जो है शैम्पू बहुत अच्छा लाभदायक है। तो यदि आप यह सारे दवाई जो मैंने आपको बतलाया ठीक तरीके से जैसे बतलाया उस तरह से करते हैं, तो आपको बालों के समस्या में जो है हर तरह के समस्या को यह दवाई जो शैम्पू और बालों में लगाने के लिए बताया और खाने के लिए बताया, ये सारे दवाई को आप यदि ठीक से लेते हैं, तो सारे समस्या बाल से रिलेटेड आपको ठीक हो गया। बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा सारी समस्या में। यदि आपको जो है रिलीफ देखने को मिलता है, तो इस दवाई को कंटिन्यू कुछ महीनों तक लें, ताकि जो है आपको बालों से रिलेटेड सारी समस्या जड़ से ठीक हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मैंने आपको जो होम्योपैथी दवाई बतलाया, यह होम्योपैथी दवाई आपको होम्योपैथी मेडिकल स्टोर में या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। जैसा भी आपको सुविधा लगे, उस तरह से आप यह होम्योपैथी दवाई को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बतलाएं, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक जो है आप अपने हेल्थ को हेल्दी रखें। टेक केयर। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।